खत्म होने को है, जो कि आज है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे। तो गाइस आज नहीं है, वो तो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए आज है, क्योंकि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कब सारा वीडियो ख़त्म हो और मैं ये वाला वीडियो डाल सकूँ। तो गाइस आज फाइनली वो रिज़ल्ट डे है। मुझे तो ऑलरेडी पता है रिज़ल्ट, तो आपको तो पता नहीं है कि हमने क्या, आपने तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या गेम्स खेले हैं, किसने किस किस में पार्टिसिपेट किए। तो गाइस अगर अब तक नहीं देखी देन गो एंड चेक माई फर्स्ट टू व्लॉग, जिसमें एक में है कॉलेज वीक डे 1 और 2, उसके बाद एक में है 3 और 4, उसके बाद एक में है 5, और आज है फाइनली 6th वाला डे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में मीटिंग्स भी है। सो गाइज आज आप लोगों को देखने को मिलेगा हमें क्या क्या अचीव हुआ। और गाइज लास्ट टाइम के लिए मैं पता नहीं आगे स्टडी कितने तक जाए, लेकिन इस कॉलेज के लिए तो लास्ट ही है। लास्ट के लिए मेरे मुझे क्या क्या प्राइस मिलते हैं वो भी आप देख पाओगे इस वाले वीडियो में। और गाइज ये वाला वीडियो तो काफ़ी इन्जॉय करोगे, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि मेरी लास्ट कुछ प्राइजेस है इस कॉलेज से, तो मेरे ये तो काफी मेमोरेबल है। तो आप लोग जाके देख के आओ कि आज का दिन में हम गाइस आज है वो फाइनल डे, जब मतलब इतने दिनों का मेहनत का आज फल जो है वो मिलने वाला है, जो मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे तो पता है रिज़ल्ट। तो जाते ही मुझे ये जो एंट्री है यहाँ से एक शॉट लेनी थी, मतलब ये मैंने रील्स बनाए, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जो ऊपर ऑडिटोरियम का एंट्री है, तो दोनों साइड्स में ऐसे फ्रेशर्स वेलकम लिखा था, तो यहाँ पर हम बैठ गए और कुछ स्टूडेंट ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर एंजॉय भी कर रही थी, साथ में वीडियो भी ले रही थी। तो ये हमारे टीचर्स प्रिंसिपल्स, और फर्स्ट जो प्राइज़ है गाइस वो मुझे मिला मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, उसकी टीचर जॉर्जिना मैम से, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है गाइस वो मेहनत की फल, जो मैंने पूरे शाम से रात तक जो मैंने बैडमिंटन खेला था, तो उसका मैं चैम्पियन हुई, और जो मेरी कैप्टन थी वो रनर अप हुई, फर्स्ट रनर अप। तो यहाँ पर ये देखिए अभी हमारी टीम को मिलने वाली है जो कबड्डी थी उसकी प्राइस। तो गाइस कबड्डी में हम सेकंड आए थे, काफ़ी मतलब हमारे टेक्निक वगैरह जो मैंने बोला था डिजर्वेंटेज मिला, एक हमें पहले ही खेलने को मिला, तो सब लोगों ने हमारी टेक्निक भी देख ली। तो ये जो ट्रॉफी है कैप्टन ले जाएगी, जो कि है वो व्हाइट शर्ट वाली, और बाकी हमको मिला मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स। एज ए टीम मेंबर जो साड़ी में है वो नाटक कर रही थी, इसकी वजह से वो आउट ड्रेस में है, और जो मीटिंग थी वो सुबह ही हो गई थी, और अभी शाम को मतलब दोपहर को हमें प्राइस मिल रही है। और ये जो थर्ड प्राइस है वो हमें मिल रही है क्रिकेट के लिए। तो गाइस हम क्रिकेट में फर्स्ट आए थे, और गाइस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमारी जो टीम थी वो बेस्ट थी, मतलब सारे हम सब एक ही लोग सारे गेम्स में थे टीम के तरह। जो ये देखिए क्रिकेट की ट्रॉफी काफ़ी बड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, और साथ में ये भी मतलब एक मेमोरीज रह जाएगी हमारी, कि ये देखिए सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स जो है वो भी दिए जाते हैं। तो ये है मेडल्स। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट जा रही हूँ, जो हमारी ये हम दोनों जा रहे हैं रंगोली के लिए। तो गाइस रंगोली में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो ये देखिए हम दोनों ने काफ़ी मेहनत भी की थी, और सडन हुआ, हमें इतना आइडिया भी नहीं था, फिर भी हमें मतलब पंकज सर से ये मिला। तो ये देखिए दोनों को ही फर्स्ट प्राइज़ के लिए दो दो मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स मिले। तो ये थी एक और नेक्स्ट। तो उसके बाद फोटो सेशन भी होता है प्राइज़ के बाद, तो अभी हमें मिलेगा एक और प्राइस। तो ये देखिए मेरे नाम अनाउंस हो रहे हैं, तो अभी मुझे कैरम के लिए मिला। तो कैरम में गाइस मैं इस बार जो बैडमिंटन खेलने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी, जिसकी वजह से कैरम में मतलब मुझे थर्ड मिला, लेकिन पहली बार फर्स्ट आई थी, उसके बाद एक बार सेकंड आई थी, और अभी थर्ड मिला मुझे कैरम पर। और ये देखिए गाइस थर्ड के लिए येलो मेडल्स होते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स ये हमारी जो संगमाई सर थे उनसे मिला। और अभी हमारी टीम जा रही है जो टग ऑफ वॉर थी, टग ऑफ वॉर में गाइस हम लोग फर्स्ट आए थे, मतलब ये बेस्ट टीम है जो कि हमारी थी, क्योंकि हमें सारे जो गेम्स में हम पार्टिसिपेट हुए सब में ऑलमोस्ट मिला। तो गाइस यहाँ पर जो चूड़ीदार में लड़की है वो तो हमारी जो गेम थी
आर्म रेसलिंग, उसमें वो चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन भी थी एंड चैम्पियन भी थी, मतलब सारे एज ग्रुप में चैम्पियन थी, साथ में अपने ग्रुप में भी वो चैम्पियन थी। तो ये देखिए, ये हमें मिला टग ऑफ वॉर के लिए, और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी ली गई। तो ये देखिए, फ़ोटोज़ भी खींचे जा रहे हैं, और हमें मेडल्स भी मिला। मेडल्स काफ़ी वक्त कम थे, इसकी वजह से मेडल्स हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बस हमें प्राइज ट्रॉफी के साथ फ़ोटो खिंचवानी होती है। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ नीचे फोटो सेशन के लिए। तो ये देखिए गाइस, ये तो मेरी बेस्ट अचीवमेंट, बाकी सारे गए मतलब ऐसे ही, मतलब ये जो है ये बेस्ट मेमोरी होने वाली है। और इस बार जो है काफ़ी अच्छी खासी दी गई, ये देखिए हम सारे ट्रॉफीज़ के साथ यहाँ पर फोटोज़ ले रहे थे। तो गाइस ये थी मेरी अचीवमेंट, जो कि ये तो बेस्ट है गाइस, ये मेटल का है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरी दादी का इसका इसके साथ कुछ अलग ही मतलब सीन है, कभी और बताऊंगी ब्लॉग में। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये मेडल्स तो इस बार काफ़ी कम मिले, क्योंकि गेम्स भी हाफ हो गए थे इसकी वजह से, और वरना पिछली बार 7, 8, 8, 9 ऐसे मिले थे, और इस बार शॉर्ट फुट वगैरह में भी मतलब नहीं था। तो ये देखिए मेरी ब्यूटी शॉट देख लीजिए आप लोग, ये गाइस बेस्ट मेमोरी होने वाली है, मैं इसको अपनी जीवन भर मतलब संभाल के रखना चाहूँगी। सो गाइस इसी के साथ कलर जो ख़त्म होती है। और राइट गाइज, आई मैंने दिस वीडियो राइट किया, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज जो मतलब फल है इतने दिनों का हमारा का मेहनत का फल, वो आपको देखने को मिला होगा। तो गाइज इस बार मुझे बहुत ही कम मिले, क्योंकि गेम्स हाफ हो गए थे। नॉर्मली मेहंदी कंपटीशन वगैरह होती है, तो उसमें तो मैं फर्स्ट आती हूँ, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेहंदी वगैरह में। तो गाइज इसका पीछे भी स्टोरी काफ़ी लॉन्ग है, मैं जब नई नई इस कॉलेज में आई थी मुझे ये सब पता ही नहीं था। तो मेरी एक दीदी जिसके साथ हमारी बिल्डिंग में रहती थी, उनके साथ मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मुझे बोला आज मेहंदी कंपटीशन है और एक मेहंदी खरीद लो, क्योंकि खुद से खरीदना पड़ता है मेहंदी वगैरह जो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो मैंने 10 रुपये से एक ही मेहंदी लिया था, फिर कॉलेज गई, फिर उनके हाथों में मैंने रचा। काफ़ी सारे कंपिटिटर्स थे, 30 से 35, 40 ऐसे तक थे, तो मुझे मिल गया आई थिंक सेकेंड प्राइज। तो आई वॉज शॉक, अरे मैं ऐसे ही रास्ते में जाके अगर सेकेंड हो सकती हूँ तो थोड़ा सा मेहनत करूँगी तो शायद हो सकती हूँ। तो एक और नेक्स्ट ईयर था, जब भी तब भी मुझे पता ही नहीं था, कॉलेज पे जाके फिर मुझे मेहंदी मिला अचानक बेटी, और तब मतलब थोड़ा सा रूल्स चेंज हो गए कि आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। 40 मिनट्स में मतलब बहुत ही ऐसा देखा जा रहा है, दोनों हाथ मिलता है 40 मिनट्स के लिए, और आप चूज़ कर सकते हो किसके हाथ में आपको लगाना है। तो 40 मिनट्स में ये देखा जाता है कि आपने कितने ज़्यादा लगाए, प्लस आपका क्वालिटी कैसा है, मतलब अपने मतलब कितना अच्छा रचा है। और जजेस तो 4-5 होते हैं, तो उसके बाद आपको दिखता है। जजेस हमारे कॉलेज के टीचर्स थे, और कभी भी पार्लर वगैरह के किसी भी एक्सपर्ट का भी राय लिया जाता है व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज के। तो गाइस तब मुझे आई थिंक 3rd प्राइज मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी हाथ, और क्योंकि टाइम लिमिट कम था, फिर आपको दोनों हाथों पर भी लगाना है, और मेरी जो मतलब मेरे पास जो थी जिसके हाथों में मुझे रचना था, मेरी पार्टनर, तो उनके हाथ काफ़ी बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से मतलब एक ही हाथ में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, तो इतना ज़्यादा भर नहीं पाया, ऐसा हुआ। फिर एक बार मैं फर्स्ट आई 5 ईयर्स के जर्नी में, फिर एक बार मैं सेकंड आई जब एक्सपर्ट ने, एक मेहंदी आर्टिस्ट ने हमें मतलब देखा था हमारे। तभी भी मैं कभी भी मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आज मेहंदी है। कॉलेज में जाती हूँ तो पता चलता है मेहंदी परचेस कर लो क्योंकि आज मेहंदी कंपटीशन है, ऐसा होता है। सो गाइस मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इस साल थोड़ा सा दिया, लेकिन इस साल हमारे गेम हाफ हो गए। तो कॉलेज डेज की मेरी सबसे बेस्ट मेमोरेबल डेज होते हैं कॉलेज वीक, क्योंकि बहुत सारे लड़का लड़कियां जिनसे हम पहले इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कॉलेज डेज में काफ़ी इंटरेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो जाती है। और अगर हम एक ग्रुप में हैं, टीम में हैं, तो उनका नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, फिर टीम में टीम वर्क भी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों से मतलब बातें करना, उनकी थिंकिंग जानना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी इस जो कॉलेज वीक का जाने थी वो तो बहुत ही बेस्ट थी। इस साल की हमारी कैप्टन थी आरिजाबा, शी इज़ जस्ट फेबुलस, उनके बारे में क्या ही बताऊँ, वो तो बेस्ट है हर चीज़ों में। तो गाइस इस वाले वीडियो में आई थिंक मैंने फिफ्थ वाले वीडियो में शायद शेयर किया है, जब स्टेज चेंजिंग हो रही थी, वो तो
सीनियर है और वो तो मतलब हमने उनको फेयरवेल अभी रिसेंटली दिया है उनको, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा डांस करती है। लेकिन इस बार जब स्टेज पे किसी फ्रेशर्स के साथ डांस करना पड़ा, शी वाज शाय, तो आप लोग जाके देख लेना। इंसान काफ़ी अच्छी है, उनके साथ लास्ट टाइम खेलने को भी मिला, कॉन्टेक्ट में भी है। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उनके साथ एज ए कैप्टेन उनको पा के, और सीनियर भी उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, हमारी जो कबड्डी थी गेम, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ मतलब जो जो मेहनत थी वो हमारी कैप्टन की ही थी, क्योंकि बाकी सबको मतलब हमने ऐसे ही रास्ते में मिला, तुम खेलोगे बोलो आ जाओ ऐसे, मतलब क्योंकि हमें टीम बनाना था ऐसा, क्योंकि क्लासमेट्स कोई भी नहीं थे, क्योंकि वो सब तो घर अपने अपने रूम्स को छोड़ के चले गई, और वो ही हमारे साथ थी। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत से हम सबको एक साथ मिला कर मतलब काम किया, काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, काश कोविड नहीं होती हमें एक और साल खेलने को मिलता, तो कोई बात नहीं। सो गाइस, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है ऑलरेडी। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, अगर ज़रा सी भी पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाए ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूँ उसके लिए अपडेटेड रहे। सो गाइस, मैं आप सबसे मिलती हूँ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।